जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं पेंशनरों के लिए बड़ी ही सकारात्मक अच्छी खबरें लेकर आया हूँ। कई खबरें हैं, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पर देखिए, यहाँ पर हम स्पर्श जैसा कि आप सभी जानते हो सेना के लिए एक नया पेंशन सिस्टम लागू हुआ है। जब आप गूगल में स्पर्श सर्च करेंगे तो ये इस तरीके से सबसे पहले आपके सामने पेज खुलकर आएगा जिस पर लिखा अलर्ट टू नो योर आइडेंटिफिकेशन अब्लिक लाइफ सर्टिफिकेट अब्लिक माइग्रेशन स्टेटस क्लिक है। जिसको अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपना माइग्रेशन स्टेटस या अपना आइडेंटिफिकेशन चेक करना है वो क्लिक करें। लेकिन यहाँ जो रेड कलर में ये मैसेज लिखा है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर्स ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 23 नवंबर तक जिनका जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर्स को देना ड्यू था उनके लिए कहा गया है, हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2023, यानी कि अब उस समय को जून 30, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। प्लीज़ सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन आफ्टर जून 2024, यानी कि जून 2024 के बाद आप अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करें, या जून तक करें या जून के बाद करें, लेकिन जुलाई की पेंशन आने से पहले करें ताकि आपकी पेंशन कंटिन्यू रहे। अब ये नॉर्मल प्रक्रिया है या चुनावों का असर है ये सब आप जानते हैं। एक तो खबर ये थी, अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये देखिए आपके सामने, जैसा कि आप सभी जानते हो कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि पंजाब नेशनल बैंक में जितने भी पेंशनर्स डिफेंस पेंशनर स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। एक आरटीआई डाली थी हमारे एक हवलदार जी ने और उनको जवाब मिला था, देयर इज ए फैसिलिटी ऑफ पीएनबी बैंक रक्षक प्लस फॉर डिफेंस एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स इन पीएनबी विच इज हाईली अप्रिशिएबल। इसके बारे में पूछा था, और जो स्पर्श में पेंशनर्स चले गए हैं सिस्टम में क्या उनको पीएन उसका बेनिफिट है डीएसपी अकाउंट का, तो जवाब मिला था नो। वहाँ से ये आरटीआई के थ्रू एक जवाब मिला था। इसके बाद मैंने फिर पीएनबी के अंदर जो अपने डिफेंस के एडवाइज़र हैं उनसे बात की, जनरल साहब से, सिन्हा जी से, तो उन्होंने बताया कि किस वजह से ये, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हुई, अज्ञानतावश हुई, कैसे हुई मैं नहीं जानता, लेकिन डिफेंस पेंशन स्कीम का बेनिफिट सबके लिए लागू है। ये एक कम्युनिकेशन गैप है, कुड बी दैट सम मैनेजर्स हु आर न्यू इन द ब्रांच आर नॉट अवेयर ऑफ द ऑर्डर, या कोई कम्युनिकेशन गैप में किसी ने गलत सुन लिया होगा। आई हैव गॉट नो कमेंट, बट आई कैन ओनली टेल यू दैट एनीबॉडी हुज पेंशन इज कमिंग इन द पंजाब नेशनल बैंक एंड ही इज अ पेंशनर और ही इज अ सर्विंग, दे आर कवर्ड अंडर द डिफेंस सैलरी पैकेज, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो ना मैं आपको ना तो हाँ बोलूंगा ना मैं आपको नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी। जी सर, नहीं सर, आप तो वहाँ पर अपने एडवाइजर हैं डिफेंस की तरफ से, जो आप कहेंगे। मैं एडवाइजर हूँ, मैं एमडी सीईओ नहीं हूँ, मैं बैंक के तरफ से नहीं बोलूंगा, मैं बैंक का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ना। मैं आपको एडवाइजर की ओर से बोल रहा हूँ कि ऑल दी पेंशनर्स हु आर अंडर द स्कीम ऑफ रक्षक प्लस इम्प्लाइंग दैट देयर सैलरी इज कमिंग इन द पंजाब नेशनल बैंक आर ऑल पार्ट ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज। मैंने सर से पूछा क्या मैं इसको पब्लिकली इन्फॉर्म दे दूं, तो उन्होंने बोला ये आप दे भी सकते हो या आप नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि मैं कोई स्पोक पर्सन नहीं हूं पीएनबी का, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। उनकी कन्वर्जेशन भी और सारी चीज़ आपने देखी, लेकिन अब इस पर जो आगे डेवलपमेंट मिला है वो किस तरीके से है देखिए। जब हमने पीएनबी रक्षक स्कीम के बारे में जानना चाहा तो पीएनबी वेबसाइट पर 6 डेज एगो यानी 6 दिन पहले ये अपडेट किया है, रक्षक डिपॉजिट स्कीम पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से क्या है अपडेट दिया है। जब हमने उसको ओपन किया तो हम पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर गए और वहाँ पर ये सारा आपके सामने देखिए स्पष्ट लिखा है, पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम इसके बारे में बताया गया। और इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ 4 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, इन 4 पॉइंटों में चौथे पॉइंट पर आप नज़र डालें तो क्या लिखा है देखिए।
बेनिफिट ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम आर आल्सो एक्सटेंडेड टू ऑल पेंशनर्स, यानी सभी पेंशनर्स को उसको एक्सटेंड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट डिफेंस पब्लिक एलिजिबल एज एबो, एज एबो का मतलब जैसे कि आपके एनएसजी के हैं, स्पेशल प्रोटेक्ट एसपीएस आरपीएफ स्पेशल फोर्स आसाम राइफल इस तरीके से, और सीआरपीएफ सारे जितने भी सैलरी जिन कर्मचारियों को मिलती है उन सब के लिए है। मेट्रो पुलिस तक है, स्टेट पुलिस है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ सीआरपीएफ बीएसएफ सभी के लिए। तो उनके लिए अब इसमें क्या लिखा है, चूज टू ड्रॉ देयर पेंशन थ्रू पीएनबी ब्रांच एंड पेंशन इज डायरेक्टली क्रेडिट थ्रू सीपीसीसी, सीपीपीसी के थ्रू होती है। आरटीआई में ये कहा था सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट है, लेकिन यहाँ क्या क्या, थ्रू सीपीपीसी और एनी अदर स्टेटरी और गवर्नमेंट पेंशन डिसबर्सिंग बॉडी, एग्जाम्पल स्पर्स या स्टेट ट्रेजरी, चाहे स्पर्स से मिलती हो चाहे आपको स्टेट ट्रेजरी डीपीडीओ से मिलती हो, उन सब के लिए पीएनबी के अंदर डीएसपी अकाउंट का बेनिफिट लागू है। तो वो चीज़ वहाँ प्रूफ हो गई, वो जो आरटीआई की जो रिप्लाई थी वो गलत थी, और जो जनरल साहब ने कहा वो भी सही था, और यहाँ पर अब इन्होंने अपनी वेबसाइट पर 6 दिन पहले इसको अपडेट कर दिया है। तो ये एक और अच्छी खबर है जो कि पेंशनर्स के हित में है। अब देखते हैं अगली खबर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है, हालांकि ये 2022 की खबर है, लेकिन मेरे काफ़ी व्यूवर्स के पॉइंट आ रहे थे कि हम अपने बच्चों के साथ कभी जाते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वहाँ ECHS में जब अपना ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो 1 महीने की जो दवाई मिलती है वो नहीं मिलती है, हमको 7 दिन से ज़्यादा की दवाई नहीं मिलती है, और अगर कहीं रेफरल करना होता है तो हमारे पुराने जो पॉली क्लिनिक हैं वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है। इस तरह की कई सारे कमेंट्स बार बार आए, तो मैं इस पर पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ, लेकिन कई बार लोग सब नहीं देख पाते, तो आज फिर से ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ इसमें। जैसे कि ये लेटर 16 फरवरी 2022 का है, और ये जो पॉलिसी है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ ये 2019 में लागू हुई थी, लेकिन उसमें अमेंडमेंट किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपको 2019 के लेटर का रेफरेंस दिया है, इसके अंदर चेंज ऑफ पेरेंट्स पॉली क्लिनिक के बारे में बताया गया है। इसमें पॉलिसी में क्या बताया गया है ये आप देखें, यहाँ पर पॉलिसी में बताया गया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने पेरेंट्स पॉली क्लिनिक को चेंज करने के लिए, जिनके 64 KB के कार्ड हैं वो लोग, और आप पहले जो 6 महीने पर आप अपना पॉली क्लिनिक चेंज कर पाते थे, अब वो आपके लिए हर 3 महीने पे आप अपने पेरेंट्स पॉली क्लिनिक को चेंज कर सकते हो। कितने टाइम के बाद, 3 मंथ यानी 3 महीने के बाद ही आप अपना पेरेंट्स पॉली क्लिनिक चेंज कर सकते हो। ये आप ECHS बेनिफिशरीज ऐप है जो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी है और आपके आईफोन के लिए भी काम करता है, दोनों ही में वो ऐप चलता है, और उस ऐप के माध्यम से ही आप चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने कल ही एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी ऐप्स के क्या क्या आपके बेनिफिट हैं और क्या क्या आप अपने घर बैठे सब कुछ कर सकते हो, उसका लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देखना चाहें तो वहाँ देख के पूरा डिटेल ले सकते हो कि किस तरीके से आप अपना पॉली क्लिनिक घर बैठे चेंज कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हर 3 महीने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको वहाँ ना तो रेफरल में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको 1 महीने की दवाई चाहिए या 2 महीने की दवाई चाहिए, दवाई भी आप 6-6 महीने तक की ले सकते हो, उनकी भी कुछ कंडीशंस हैं, उसके बारे में भी मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, और ये जो लेटर्स हैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सब आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। उस व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए ये जो QR कोड किया दिया है आप इसको स्कैन करें और मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ें। जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही हैं उनके ऑथरिटी लेटर ऑथरिटी जो है वो सब आपको सेम डे उसी दिन जिस दिन वो वीडियो डलेगी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी पेंशनर्स के संदर्भ में, फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।